फिल्म में सातारा जिले के चिंचोली गांव की स्टोरी दिखाई गई है। अरण्य फिल्मों में हीरो बनने के लिए तैयार है, बस एक प्रॉब्लम है, फिल्म में अरण्य को हीरो बनाने के लिए तैयार नहीं है। अरण्य बॉम्बे को हीरो बनने के लिए चला जाता है। अरण्य जल्द ही एक महीने के बाद लौट के आता है। बॉम्बे ने अरण्य को अपनी जगह दिखा दी। उस दिन अरण्य तो हार जाता है, लेकिन वो कसम उठा लेता है कि उसका बेटा ज़रूर उसका सपना पूरा करेगा। इसके बाद फिल्म की कहानी फास्ट फॉरवर्ड हो जाती है। अब अरण्य का लड़का आम्या बड़ा हो गया है, लेकिन वो फिल्मों में हीरो के नहीं बल्कि चोरों के रोल कर रहा है। उसका सपना तो है कि वो हीरो बने, लेकिन उसको कुछ लक नहीं मिल रहा है। लेकिन एक दिन उसका नसीब पलट जाता है जब महेश मांजरेकर जी अचानक उसको उसके गांव के एक नदी के पास अपनी वाइफ के साथ कन्वर्सेशन करते हुए दिख जाते हैं। महेश मांजरेकर जी पहले तो गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन उसे एक चांस दे देते हैं। उसी समय उसकी लाइफ में एक अट्रैक्टिव लड़की आ जाती है जिसका नाम है दीपिका। दीपिका जानती है कि आम्या ने महेश मांजरेकर जी के साथ पिक्चर की प्लानिंग की है। दीपिका आम्या को सिर्फ इसीलिए अपना फ्रेंड बना लेती है। आम्या की लाइफ में एक और लड़की है जो उसे बहुत चाहती है, लेकिन आम्या को उसकी प्यार की कदर नहीं है। वक्त आने पर दीपिका आम्या को बराबर टाटा गुड बाय कर देती है। टाइम खराब होने पर सब लोगों ने साथ छोड़ दिया, ये देखकर आम्या कभी कभी सुसाइड करने की सोचता है। आगे उसकी लाइफ में क्या क्या घटनाएं होती है, ये अगर आप बड़े स्क्रीन पर देखें तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर बहुत ही दमदार है। इतना अच्छा बैकग्राउंड स्कोर एक्सपीरियंस करने के लिए थिएटर में जाना ही अच्छा होगा। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। इन शॉर्ट कहा जाए तो फिल्म के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस बहुत ही इम्प्रेसिव है। फिल्म की स्टोरी इतनी कुछ खास नहीं है। फिल्म देख के बाहर निकलने के बाद याद ही नहीं आता कि क्या देखा। मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए कुछ भी याद नहीं आ रहा था। फिल्म के डायलॉग्स ऐसे हैं जिन पे 5 साल के छोटे बच्चे भी नहीं हंसेंगे, बड़े लोग तो दूर की बात है। फिल्म में एक गाना है जो कि फिल्म के बीच में आता है, बाद में वही सेम गाना फिल्म के एंड में भी आ जाता है क्रेडिट के साथ में। एक ही गाना दो जगह पर यूज़ कर रहे हो, पैसे बचा रहे हो क्या? मैं इस फिल्म को सिर्फ इसके अच्छे बैकग्राउंड स्कोर और सिनेमाटोग्राफी की वजह से 10 में से 2 स्टार देता हूँ। दोस्तों, हमारा चैनल एक नया यूट्यूब चैनल है। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करके और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी थोड़ी मदद कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।